एक ऐसा संत जो करता है करोड़ों दिलों पर राज, वो किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का सांझा है। उसने छुड़वाया है करोड़ों का नशा, मांसाहार और हरामखोरी। वो लेखक भी है, गायक और संगीतकार भी। वो किसान भी है, इंजीनियर और डिजाइनर भी। वो है एक ऐसा खिलाड़ी जो खेलता है 32 गेम्स। उसी ने बनाया है वैश्याओं को अपनी बेटियां। उसी ने ली है किन्नरों की सार। वो डाल सकता है मुर्दों में जान। उसके नाम है 25 विश्व रिकॉर्ड्स। कौन है वो सुपर ह्यूमन? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खूबसूरत इनके हुनर भी हैं। लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं और संगीत भी खुद ही बनाते हैं। खास बात ये है कि ये अपनी लाइव प्रस्तुति में हर बार 7 नए गाने और 7 नई धुनों के साथ मैदान में उतरते हैं और पूरी रात परफॉर्म करते हैं। इनके अल्फाज, इनकी धुनें और परफॉर्मेंसेस मुर्दों में भी जान फूंक देती हैं। इनकी दीवानगी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। हर हफ्ते लाखों लोग पूरी रात इनको सुनते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और इनके साथ ही गुनगुनाते हैं। इनके दीवाने पूरी दुनिया में हैं और इनकी अब तक 19 एल्बम्स भी रिलीज हो चुकी हैं। 2013 में इनकी रिलीज हुई एल्बम LOV रब से 65 लाख से भी ज्यादा बिक चुकी हैं और इसी वजह से विश्व की जानी मानी म्यूजिकल कंपनी यूनिवर्सल द्वारा इनको ग्लोबल ब्लॉक अवार्ड भी दिया जा चुका है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सिर्फ गायक, लेखक और संगीतकार ही नहीं है। इनके ड्राइविंग स्किल्स देखकर बड़े बड़े महारथी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। देखने वालों को लगता है जैसे ये वाहन चला नहीं रहे बल्कि उसके साथ खेल रहे हैं। साइकिल से लेकर पानी के जहाज तक हर वाहन चलाना मानो इनके बाएं हाथ का खेल है।
जेसीबी और भारी क्रेन को निपुणता से चलाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनकी बॉडी की पावर की बात करें तो इस फील्ड में भी ये महाबली हैं। बारह टन वजनी बस को गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है। दिलचस्प बात ये भी है कि इन्होंने कभी जीप या ट्रैक्टर का टायर बदलने के लिए जैक का नहीं बल्कि अपने बाहुबल का ही प्रयोग किया है। खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। और ये बॉलर चले और बॉल की ओर, पूजे विजय जी का शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर बॉलर चले और पूजे विजय बिल्कुल तैयार खेलने के लिए, एक बार फिर शानदार शॉट, हवा में लहराती हुई गेंद, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर यहाँ पर स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है, मीडियम पेसर वहां पिटे हैं स्पिनर, ऑफ स्पिनर पे यहाँ पर किस्मत आजमाई अपनी, यहाँ पर एक बार फिर स्टेप अप किया और बिल्कुल सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजे पिताजी भी तैयार, यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट कर गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, 4, 6 या 8 अंपायर के इशारे का हमें इंतजार, अब देखना है कि क्या ये छक्का है या 8। जी हाँ, 8 रन, शानदार 8। यानी जो आमतौर पर छक्के की जो सीमा तय की जाती है उससे यदि कोई शॉट 1.5 गुना दूर चला जाए तो उसे 8 कहा जाता है। इस तरह के गोल्स अगर असंभव नहीं तो आसान भी नहीं होते। दिलचस्पी का आलम तब और बढ़ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये कई खेलों के अंतरराष्ट्रीय कोच भी हैं। इनकी टीमों ने योगा और थ्रो बॉल में वर्ल्ड कप जीते हैं। रोलर स्केटिंग की टीम ने 3 बार लगातार एशिया कप जीता है और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इनको अपने पापा कोच मानते हैं। हर साल नेशनल में सैकड़ों गोल्ड मेडल्स जीतने वाले बच्चे इन्होंने ही तैयार किए हैं। खेल खेलते ही नहीं बल्कि इजाद भी करते हैं। क्रिकेट में 2020 के मैच का आविष्कार भी इन्होंने ही किया है। सबसे पहले सन 1999 में 2020 मैच की प्रतियोगिता इन्होंने ही करवाई थी। यही नहीं, एक नया खेल गुलस्टिक भी इन्होंने इजाद किया है जो कि पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुका है। गुल्ली डंडा, बेसबॉल और क्रिकेट के मिश्रण से बने इस खेल की 3 बार नेशनल प्रतियोगिताएं भी हो चुकी हैं। इनके हुनर का जिक्र अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो सब कुछ बाकी है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एक कमाल के इंजीनियर भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में इनकी तूती बोलती है। फाउंटेन बनाने वाली एक कंपनी कई साल से खोज कर रही थी कि 5-5 फव्वारे एक साथ कैसे चलाए जाएं। तब इन्होंने उनको ऐसी टेक्निक बताई जिससे एक साथ 10, 20
या 50 नहीं पूरे 1000 फव्वारे चल सकते हैं। इसकी सफलता पर कंपनी ने इन्हें एक्सलेंट इंजीनियरिंग गाइडेंस अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है। डेरा सच्चा सौदा की सारी इमारतें इन्होंने ही बनवाई हैं। इनकी बनावट देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 40-40 फीट की डाट, मिट्टी गारे में लगी चिप्स की टुकड़ियां और बिना नींव की इमारत देखकर बड़े बड़े इंजीनियर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। आपकी हैरत तब बढ़ जाएगी जब पता चलेगा कि कई सालों में बनने वाली बिल्डिंग कुछ ही दिनों में बनी है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ 42 दिनों में ही बना है। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान बिल्डिंग बनाते नहीं हैं, बल्कि आसमान से बनी बनाई उतार लाते हैं। सिरसा आश्रम में स्थित 13 वास भवन के डिजाइन देखकर तो हर मुंह से बरबस ही निकल जाता है। वाह क्या बात है, फाइबर से बनाए जाने वाले 13 वास भवन के इन डिजाइन्स पर खर्चा नाम मात्र ही आता है। डिजाइनिंग के फील्ड में संत जी का कोई सानी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग और पीओपी डिजाइनिंग के फील्ड में ये अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इनके द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेल से बनी इन ड्रेसों के डिजाइन्स देखकर लोग इनको पाने के लिए टूट पड़ते हैं। ऑटोमोबाइल डिजाइन के फील्ड के ये बहुत बड़े हुनरबाज हैं। मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों तक इनके डिजाइन बेहद अनोखे और आकर्षक होते हैं। इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देखकर तो बड़े बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंद हो चुकी है। इन्होंने 2 चलते फिरते अस्पताल भी बनाए हैं। मतलब अब मरीज अस्पताल के पास नहीं बल्कि अस्पताल खुद मरीज के पास चलकर जाता है। ये दोनों अस्पताल फरिश्ता और नन्हा फरिश्ता एक अजूबे के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं। इस हुनरबाज के हुनर की लिस्ट अभी और भी लंबी है। ये कारपेंटर, स्प्रे पेंटर, खराद, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी कई आयाम स्थापित किए हैं। चलते वाहन से शानदार फोटो कैसे ली जा सकती है ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी में भी गुरुजी का कोई सानी नहीं है। फ्रेमिंग, डायरेक्शन, लोकेशन, एंगल और लाइटिंग की इनको गजब की सूझबूझ है। अब आपके मुंह में पानी आने की बारी है क्योंकि गुरुजी एक बेहद उम्दा शेफ भी हैं। टमाटर का पूरा छिलका एक बार में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। 15 तरह की चटनी, बिना हाथ टच किए पकौड़े, जलेबी सहित काफी तरह के पकवान भी ये हाथों हाथ बना लेते हैं।
इनके खेती बाड़ी के हुनर के चर्चे आज हर जुबान पर है। प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते गहराते पर्यावरण संकट को भी इन्होंने खूब पहचाना है और हर साल एक विशाल पौधा रोपण अभियान छेड़कर उसका हल भी निकाला है। 15 अगस्त 2009 से शुरू हुए इस पौधा रोपण अभियान में अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और इनमें से 76.81% पौधे आज सही सलामत है। पौधा रोपण और पौधों के पालन पोषण में इनके द्वारा बनाए गए 3 विश्व रिकॉर्ड इनकी सफलता की मुंह बोलती तस्वीर हैं। गुरुजी के दिल में पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए भी अथाह प्रेम है। इनके कहने पर 5 करोड़ अनुयायी अपनी छतों व घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी वह दाना चुग्गा का इंतजाम करके रखते हैं। खुद पशु पक्षी भी इनके दीवाने हैं और जब भी इनको देखते हैं तो इनकी ओर खींचे चले आते हैं। धरती को मैल मुक्त करने का बीड़ा उठाने वाली ये पहली हस्ती हैं, जिन्होंने खुद झाड़ू उठाकर अपने अनुयायियों के साथ महानगरों की काया ही पलट कर रखती है। गंगा नदी सहित देश के 29 महानगरों में ये सफाई महाअभियान चला चुके हैं और उन महानगरों की जहां संक्रमित बीमारियां दूर हुई हैं, वहीं वहां के वासियों ने सफाई रखने का सामूहिक प्रण भी लिया है। इनके मार्गदर्शन में इनके अनुयायियों ने सफाई के मायने ही बदल कर रख दिए हैं और वो गंदे से गंदे नालों में बेखौफ होकर घुस जाते हैं। कई सालों से बंद पड़े गटर इनके अनुयायियों ने चुटकियों में ही खोलकर चालू कर दिए हैं। ये सत्संग के लिए जहां भी जाते हैं वहीं इनको देखने के लिए 17 से 20 लाख लोग अचानक इकट्ठा हो जाते हैं। इतना बड़ा जनसैलाब इनको मंत्रमुग्ध होकर सुनता है और शांति इतनी होती है कि कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई देती है। ये अभी तक 5 करोड़ लोगों का नशा हरामखोरी यानी वैश्यावृत्ति और मांसाहार छुड़वा चुके हैं। हर वर्ष 25 जनवरी को सरसा आश्रम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा वर्ष 2014 में 2.5 करोड़ को भी पार कर चुका है। इतने बड़े विशाल जनसमूह को इकट्ठा करना, उन्हें संभालना और केवल 51 मिनट में उनको खाना खिलाना भी किसी ऐरे गैरे न थू खैरे का काम नहीं है। इस दुनिया के इकलौते हुनरबाज के हुनर का कारवां यहीं खत्म नहीं होता। इन्होंने समाज सुधार शब्द के मायने ही बदल डाले हैं। कोटड़ा झाडोल के खूंखार आदिवासियों की जीवन शैली सुधारने के साथ साथ इन्होंने उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया है ताकि वो लोग अपना लूट खसोट का पुश्तैनी धंधा छोड़कर एक सभ्य नागरिक का जीवन जी सकें। समाज में दूसरे दर्जे का जीवन जीने वाली नारी के उत्थान के लिए गुरुजी ने जो किया कोई दूसरा
उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। वैश्याओं के कोठों पर हरामखोरी के लिए तो दुनिया जाती है, पर उन वैश्याओं को अपनी बेटियां बनाने का हुनर सिर्फ इन्हीं को आता है। इन्होंने अब तक 17 वैश्याओं को अपनी बेटियां बनाकर अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई हैं। इनके एक आह्वान पर 1500 से भी ज्यादा नौजवान वैश्याओं से शादी करने के लिए प्रण ले चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का बीड़ा गुरुजी ने सन 1991 से उठा रखा है। आप अपने आप को मर्द कहलाते हो, अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी के टुकड़े करवाते हैं। अरे मां, मां का रुतबा बहुत बड़ा है। हमारे धर्मों में मां को भगवान का रूप कहा जाता है, बहुत बड़ा रुतबा है। पर जो मां अपनी बेटी को अपने गर्भ में मारती है, धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है, लड़ते सी माता पिता। अगर आपके बेटियां ज्यादा हैं, आप कहते हैं कि जी हमारे तो हम तो पाल पोस नहीं सकेंगे, तो बेटी आप हमें दे दें। वहां हमने शाही बेटियां बसेरा ऐसा एक घर बनाया है जिसमें हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी हैं। शाही बेटियां बसेरा में आज 20 बच्चियां रहती हैं, जिनमें से कोई झाड़ियों में मिली तो कोई कचरे के ढेर पर। इन नवजात बच्चियों को भी गुरुजी ने ही अपनाया है और इन्हें बाप की जगह अपना नाम दिया है। गुरुजी के ये कार्य देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि आज किसके दिल में इतना दर्द है जो वैश्याओं और झाड़ियों में पड़ी बच्चियों को अपनी बेटियां बना ले। नर नारी के उत्थान के साथ साथ किन्नरों का उत्थान करने वाली ये पहली शख्सियत बन गए हैं। अब 5 करोड़ लोग किन्नरों को हिजड़ा या खुसरा नहीं कहते, बल्कि इज्जत की नजर से देखते हैं। गुरुजी ने इनको एक सम्मानित नाम सुख दुआ से नवाजा है। हाँ, बच्चे नाच रहे थे हमारे, जिन्हें लोग किन्नर या पंजाबी खुसरा कहते हैं, सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी सत्संग जियो, इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है, हम इनका नाम बदलना चाहते हैं समाज का। और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज, क्योंकि ये हर किसी के लिए दुआ करते रहते हैं, अपने लिए कोई परवाह नहीं। लोग इनको गालियां दें, कुछ कहें, तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं, तो इनका नाम सुख दुआ। सत्संग जी ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि सत्संग तो भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। किन्नर समाज के लिए गुरुजी ने जो हमारे लिए अपने बच्चे समझ के, अपने बेटे समझ के, किसी ने भी आज तक समाज में गले नहीं लगाया, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़े कोई संत रहे हो, किसी ने भी ये स्टेप नहीं लिया कि किन्नरों के लिए कुछ सोचा जाए। पहली बार ऐसे हमारे सतगुरु जी, हमारे दयाल रहबर, हमारे परमात्मा, जिन्होंने किन्नर समाज के लिए एक अपना बेटा समझा, अपनी बच्चियां समझा और गले लगाया और बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 15 अप्रैल 2014 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा की याचिका नंबर 604 पर सुनवाई करते हुए इस समाज को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए इनके आरक्षण की व्यवस्था भी की है। जिन घरों में एक ही बेटी है, अब उन घरों में बेटियों से ही वंश चलने लगे हैं। गुरुजी द्वारा चलाई गई कुल का क्राउन रीत से अब लड़कियां बारात लेकर जाती हैं और दूल्हा ब्याह कर घर ले आती हैं। यही नहीं, अब बेटियां पुरुषों के बराबर ही अर्थी को भी कंधा देने लगी हैं, क्योंकि गुरुजी ने ये भी नई रीत चलाई है। स्वतंत्रता सेनानियों की सार भी गुरुजी ने ही ली है। उनको विशेष अवसरों पर सम्मानित करने के साथ साथ
गुरु जी ने इनको घर भी बनवा कर दिए हैं। महाराज सच्चे पातशाह ने मेरी जिंदगी बना दिया। मैं झूठे भांडे मीटा वाले रोज माजदा था, अज मैं सच्चे तौदे ते चलने लगा। इन्हें मेरे ते मेहर कीती आ। रक्तदान के क्षेत्र में गुरु जी की बदौलत डेरा सच्चा सौदा 3 विश्व रिकॉर्ड्स बनाकर आज पहले पायदान पर खड़ा है। अब सेना, पुलिस, पत्रकार, थैलीसीमिया के मरीजों व गरीब लोगों को खून की कमी महसूस नहीं होती, बल्कि आश्रम में लगने वाले रक्तदान शिविरों से ये कमी आसानी से पूरी हो जाती है। इसके कहीं भी खून की जरूरत हो तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हर दम तैयार रहते हैं, और यही वजह है कि लोग आज उनको चलते फिरते ट्रू ब्लड पंप कहने लगे हैं। गुरुजी की प्रतिभाओं का कारवां यहाँ भी खत्म नहीं होता। पूज्य गुरुजी एक बहुत बड़े आपदा प्रबंधक भी हैं। आपदाओं से निपटने के लिए इन्होंने शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का गठन किया है। 70,000 से ज्यादा लोगों की इस फोर्स ने अब तक जहां भी आपदाएं आई हैं, वहां सबसे पहले पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाई है, साथ ही उनकी जानें भी बचाई हैं, जिनमें उड़ीसा चक्रवात, गुजरात भूकंप, गड्ढे में गिरा प्रिंस, जम्मू कश्मीर में भूकंप और बर्फबारी, बाड़मेर में सूखा और बाढ़, बिहार में बाढ़, तटीय क्षेत्रों में आई सुनामी, घग्गर नदी का उफान, उत्तराखंड में बाढ़, दार्जिलिंग में आग और बिल्डिंग्स का गिरना जैसी आपदाएं शामिल हैं। गुरुजी वास्तव में एक चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं। करोड़ों अनुयायियों के साथ समय समय पर बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं, जिनमें HIV, कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे असाध्य रोगों के ठीक होने के साथ साथ कई मरे हुए व्यक्तियों का जिंदा होना भी शामिल है। I am Dr. P.R. Nainsa. In 2001, one day I noted a nodule in my thyroid gland. I got it checked with my colleague Dr. M.P. Singh, surgeon. He was shocked to examine it. I could feel from his facial expression that there was something serious. Next day, I went to AIIMS, consulted thyroid surgeon. I was subjected to various tests for thyroid cancer, including FNAC. Ill luck would have it, all the tests were positive for thyroid cancer, and the type of cancer was highly malignant, Hürthle cell carcinoma. It was a bolt from the blue for me, and I was facing death. A doctor is a worst patient, since he knows about the disease, so was I. With eyes full of tears, choked throat, and grieved heart, I met Guruji and told about my illness. Guruji consoled me and told, "Oh my son, it's a small nodule, get it removed, don't worry. Repeat the method of meditation day and night and serve the humanity." I again went to AIIMS and met my colleague, thyroid surgeon, and told him that you have to remove the nodule only, not the whole thyroid, because it is the order of my Guruji, get the thyroid nodule removed. The nodule was removed and sent for biopsy. When the biopsy report was received, my colleague Dr. Sunil Chumbar, head of surgery unit, called me. When I reached his room, he told me, "Let's have a cup of coffee," and he took me to coffee room. I was preparing myself for the worst news. He showed me the report, and there was nothing in it. It was a simple nodule, nothing like cancer in it. There was a strong impulse in me that Guruji has deferred my death. My happiness knew no bounds. Then I met
Guruji and prayed, "Oh my Lord, I don't have any words to express my gratitudes. You have deferred my death." I showed my report to His Holiness. He smiled and asked me, "Are you happy now?" I prayed, "Oh my God, please keep me at your holy feet." Guruji again preached me, "My son, serve the humanity and repeat the method of meditation till your death." Whenever I remember that benevolence of my great Guru, a chain of thoughts of gratitude, thankfulness, obligation about the great Guru comes, and at the end of the chain of thought come tears rolling down my cheeks. No words traceable in my dictionary other than, "Oh my great, great philanthropy Guru." मेरा नाम बिंदर सिंह है जी, मेरा पिंड नगला जी, मेरे मुंडे का नाम बूटा सिंह है जी। 3-4 महीने का सी, ढिल्ला हो गया जी। असी उन्हें मंडी लैके जाने वास्ते लै गए, राह दे विच कड़फूल लगा हुआ है सिंगो, सानू उत्थे कड़फूल ने घेर लई, घेर के सानू इक साइड ते ला के खलिहाड़ ते हरे गांह टप्पण नहीं दिंदे। असी खड़े रहे जी, तो मुंडा उत्थे चोला छड्ड गया जी। एक रात रखे सानू, ने दूजे दिन 10 बजे तोड़ते जी, तड़के दिन चढ़े गांह डॉक्टर कोल वग गए जी। रामा मंडी सी, रामा मंडी डॉक्टर भी जवाब देगा जी, आधे बजे तो कुछ है नहीं। एक रात सानू उत्थे लंघ गई जी, फिर उत्थे जी मालक नू करके जा जी, मिनी बाते चढ़ गए। जो दरबार आए तो पिता जी विराजमान सी, मैं जल्द लगी सी, असी सीधे पिता जी को वग गए। जाके जो स्टेज को खड़ गए, साडा रोन निकलिया जी। तो पिता जी पूछण लगे सानू की तकलीफ है भाई। हुण पिता जी तो पुछदे सानू बहाने नाल, पिता जी तो पता ही सीगा जी। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੱਛ ਚਿਲਕੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੱਛ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਿਫਾਫਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕੰਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾਰਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਇਹ। ਅੱਜ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੇ, ਆਹ ਖੜ੍ਹਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਹੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਪੂਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬੀਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ इनके अनुयायी अक्सर कहते हैं कि हमें एक या दो कला नहीं बल्कि सर्व कला संपूर्ण सद्गुरु मिले हैं, और हमें गर्व है कि हम सर्व कला संपूर्ण सद्गुरु के बच्चे हैं। समय के अभाव में अभी तो हम इस हुनरबाज के 50% हुनर भी नहीं दिखा पाए हैं। बाकी के हुनर के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब पिक्चर अभी बाकी है।